कोरोना के मामलों में फिर एक बार उछाल देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों ने बढ़ते मामलों को देखते हुए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। कहा जा रहा है कि मुंबई में पिछले 3 दिनों में कोविड के 150 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 5 दिनों में औसतन हर दिन 10 लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। शुक्रवार को राज्य में 477 नए मामले सामने आए थे, जिनमें से 178 मुंबई में थे। महाराष्ट्र में कोविड के नए XBB सब वेरिएंट का भी मरीज मिला है। इस कारण एक्सपर्ट सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। उनका मानना है कि दिवाली से पहले और बाद में त्योहार के जश्न के दौरान बाजारों में ज्यादा भीड़ के कारण कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। ओमिक्रॉन की संक्रामकता कम रहेगी। मुंबई में कोविड टास्क फोर्स का हिस्सा रहे डॉक्टर राहुल पंडित के मुताबिक संक्रमितों की संख्या में वृद्धि और गिरावट काफी पिछले कुछ समय से देखने को मिल रही है। जब तक कोई नया वेरिएंट नहीं आता तब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट की संक्रामकता कम रहेगी। हालांकि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है बल्कि सावधान रहने की जरूरत है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में फिर से मास्क पहनना शुरू कर देने चाहिए। यदि परिवार में कोई बीमार है या किसी की इम्यूनिटी कमजोर है तो उसे मास्क लगाने की सलाह दें। वहीं मुंबई नगर निगम के एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया है कि नागरिक निकाय कोविड के लिए इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर तीव्र रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के रोगियों की टेस्टिंग तेजी से कर रहा है, जिसमें टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट शामिल है। सभी हॉस्पिटल से संदिग्ध मरीजों के नमूने इकट्ठे किए जा रहे हैं। वहीं अगर किसी का सैंपल पॉजिटिव है तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए टेस्टिंग की जा रही है।